आज हम स्टार्ट करते हैं वीलुकअप के फॉर्मूले को हमें डिस्कस करना है एक्सेल पे, ठीक है। आज का लेक्चर है हमारा वीलुकअप के एक्सेल पे है। जैसे कि लाइब्रेरी स्कूल बच्चे रहते हैं कि वीलुकअप का फॉर्मूला हमें नहीं आता, तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम डाटा एंट्री शीट भी इसको हम क्या लेते होते हैं, ठीक है। तो डाटा शीट में यहाँ पे लिख रहा है, उसके बाद छोटा सा इसको मेंशन यहाँ पे कर देते हैं, इसको मैंने हाँ कर दिया जी, इसको मर्ज पहले कर देते हैं, मर्ज कर लिया। और इसके ऊपर मैंने टाइमर वाला डिजाइन सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया, और इसके ऊपर मैंने डिजाइन और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जो मैंने लिखा है डाटा शीट, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रोडक्ट अपने, तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट काम कर रही है वो आप यहाँ पे प्रोडक्ट को शो करवा सकते हैं। तो प्रोडक्ट हमें लिखना है कि प्रोडक्ट, उसके बाद आपकी आ जाता है जी प्रोडक्ट कोड आ जाता है। तो प्रोडक्ट कोड को हम छोटा से स्टार्ट कर लेते हैं जी, प्रोडक्ट कोड। उसके बाद हमारे पास आ जाती है उसकी क्वांटिटी, तो आपने उसकी क्वांटिटी शो करवा लेनी है। उसके बाद आपकी उसके पास आ जाती है प्राइस, ठीक है, तो आपने ये प्राइस शो करवा लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर कर लाऊ, जितने भी आपने बॉर्डर करना होगा आपकी मर्जी है, जितना भी आपने शीट बनानी है ये छोटा सा फैक्टर में रख, ठीक है। इसको आपने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हमने सबसे पहले लिखे हैं अपने प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है, नेम्स लिखने हैं, क्या कौन कौन सी चीज की आप प्रोडक्ट बना रहे हो। तो लाइक हम मोबाइल शॉप पे बना लेते हैं जी, हमारे सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑनर का मोबाइल है, ठीक है। तो ऑनर का मोबाइल डाल लिया हमने, उसके बाद हमने सैमसंग का मोबाइल डाल लिया, उसके बाद हमने रॉन्ग वालों का कर लिया है, उसके बाद हमने जैज वालों का मोबाइल ऐड कर लिया, उसके बाद हमने फिनिक्स कर लिया है, उसके बाद हमने टेक्नो डाल दिया है जी, तो टेक्नो डाल लो। उसके बाद हमने करना है जी टोको का हमने फाउंडेड कर लिया है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट कोड, जब हम किसी कंपनी में या किसी भी शॉप पे काम कर रहे हो या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपको वहां पे जो भी आपकी प्रोडक्ट बनती रहती है उसको कोड के नाम से जाना जाता है, तो ठीक है। वो कोड हमने अपने से रूम कर लेते हैं, कोई भी हम यहाँ पे उसको कोड मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कोड वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए रहता है सेल किया जाता है तो उसके नेम से नहीं बल्कि उसके कोड से उसको परचेज से उसको जाना जाता है कि ये कौन सी चीज है और कौन सी प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं जी। उसके बाद इसको हमने इसको से शो करवा लिया। उसके बाद यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आ जाती है, हमने शो पाउ पर क्वांटिटी का लगे भी किया, तो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी आ जाती है, जितने भी आपके पास मोबाइल पड़े हैं, सैमसंग कितने हैं जी, जॉन कितने हैं जी, जैज कितने हैं, इन्फिनिक्स कितने हैं, टेक्नो कितने हैं और ओप्पो कितने हैं, वो आपने वहां पर उनकी तादाद लिख लेनी है। और उनकी यहाँ पे प्राइस आएगी 30 पीस की आपके पास प्राइस आएगी, ठीक है। तो 30 पीस की प्राइस है हमारे पास 20,000 रुपये आपका ऑनर का, ठीक है। और सैमसंग का भी आपका 50,000 रुपये का मोबाइल है, ठीक है, तो हमें 4,000 रुपया। जॉन का भी आपका 15,000 रुपये का है, तो 15,000 रुपये में लगा लेना। जैज का भी 25,000 रुपये का, तो आपने 25,000 रुपये उसका लगा लेना। इन्फिनिक्स का भी 40,000 रुपये का, तो आपने उसका 40,000 लगा लेना। टेक्नो अभी 20,000 रुपये का, तो टेक्नो भी 20,000 रुपये लगा दिया। ओप्पो अभी 7,000 रुपये का, तो आपने उसको 7,000 से मेंशन करवा लिया, ठीक है भैया। ये तो आपकी जनगी एक डेटा शीट आपके पास हो गया, स्टॉक जो भी आपकी शॉप में या आपकी कंपनी में या आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ जो स्टॉक, उसको आपने एक अपना कंप्यूटर वाइज शीट में ऐड करवा लिया है। उसके बाद अगर आपके पास कस्टमर आ जाते हैं या आपका ऑनर आ जाता है, तो आपसे पूछते हैं कि जो आपने शीट डाली है उसमें जैसे मोबाइल कितने का डाला है, तो उसको फौरन बताने के लिए आप शीट नहीं देखोगे बल्कि आप अपनी सर्च बॉक्स देखोगे, ठीक है। तो सर्च बॉक्स में हम भी लिखकर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। किस तरह करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं लिख लिखता हूँ सर्च बॉक्स, तो यहाँ पे हम बॉक्स लिख लेते हैं जी। तो सर्च बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑल बॉर्डर कर लेते हैं जी, ये ऑल बॉर्डर हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ उसकी प्रोडक्ट का नेम लिखे, प्राइस की ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाए, तो किस तरह आएगी। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट शिफ्ट 9 से ब्रैकेट स्टार्ट आ जाएगी। उसके बाद आपने सर्च बॉक्स एरिया देना जहां पे आप नाम लिखना पसंद करते हैं, जहां लिखना है वहां लिख सकते हो, जहां आपकी मर्जी है वहां पे आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, कोमा लगाना है, उसके बाद
आपने अपनी शीट सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी डाटा शीट है या जहाँ पे आपने जो भी एंटर किया हुआ डाटा अपना, उसके बाद आपने लगा लेना है कॉमा, उसके बाद आपने कॉलम काउंट कर लेनी है 1, 2, 3 और 4। अब हम कौन सी चीज यहाँ पे फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ नेम लिखी और उसकी प्राइस ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाए, तो आप ये 4 कॉलम आपने वहां पे लगा लेना है। अगर आप कहते हैं प्रोडक्ट कोड फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपने 2 को सिलेक्ट कर देना है, अगर आपको कहते हैं उसकी क्वांटिटी भी हमें पता होनी चाहिए कितनी है तो आपने 3 लगा लेना है। यहाँ मैं तीनों चीजें आपको सामने वाजे करके बता देते हैं किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट कोड आ जाना चाहिए फॉरन, जैसे मान लीजिए उसका कोड आ गया आपके पास, तो कोड का है आपने यहाँ से कॉलम काउंट करवा लेना, पहला काउंट तो मेन कैटेगरी का आपने खुद लिखना है, दूसरा कॉलम आपका है जी प्रोडक्ट कोड का, तो वो 2 कॉलम पे है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लेना है जी 2, उसके बाद आपने कर लेना है जी कॉमा 2 डबल ऑप्शन लग गया है ये कॉमा, उसके बाद आपने लगाना है 2, उसके बाद आपने लगाना है कॉमा और आप फाइल पे क्लिक करके एंटर कर दो। तो अभी आप यहाँ पे एनओवर ए कर दिया है, क्यों हमने यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे अगर मैं नेम मेंशन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ऑनर का मोबाइल हमने मेंशन किया है, उसकी प्राइस बताओ, तो उसकी प्राइस मुझे बता रहा है, क्यों प्रोडक्ट कोड मुझे लगाया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड बता रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट कोड, ठीक है प्रोडक्ट कोड आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या चीज कहना चाहते हो जी, आपके पास क्या आ जानी चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी आ जानी चाहिए, तो क्वांटिटी को भी स्टार्ट शो करवा लेते हैं, सारा आपके पास क्या आ जानी चाहिए, प्राइस ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए, तो यहाँ पे हम प्राइस को भी शो करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सारे को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर लगा दिया मैंने, ठीक है भैया। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला वही अटैच करवा देंगे, इक्वल बी ब्रैकेट स्टार्ट फिर आपका सर्च बॉक्स, ठीक है भैया, और कॉमा फिर आपकी वही शीट आ जाएगी, तो आपने यहाँ पे शीट इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने ये मैंने शीट सिलेक्ट कर लिया, जितनी आप करना चाहो वो कर सकते हो, फिर आपने कॉमा लगा लेना है, फिर आपने क्या करना है जी, अब क्या चीज आप फाइंड आउट करवाना चाहते हो, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी कॉलम पे है, 3 कॉलम पे यहाँ पे आपको वो शो करवा रही है, ठीक है, तो आपने वो कर लेनी है सिलेक्ट, तो आपने वो एरिया सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर कौन सा कॉलम आपका 3, तो 3 लगा के फिर कॉमा और फिर आपने पार्टी क्लिक करके एंटर कर देना, तो आपके पास क्वांटिटी भी शो करवा दी उसमें। इसी तरीके से प्राइस आ गया, तो इधर भी अंदर ही फार्मूला लगाएंगे, तो इक्वल वी लुकअप जैकेट स्टार्ट फिर वही सर्च बॉक्स फिर वही कॉमा फिर वही शीट एरिया आपका सिलेक्ट आपने करना है, वो करने के बाद फिर कॉमा फिर कौन सा कॉलम आपने 4 लगाना है, तो 4 लगा के कॉमा, तो आपने इसको फास्ट भी क्लिक करके इंटर कर देना, तो वो आपकी प्राइस आ गई, ठीक है भैया। प्रोडक्ट कोड भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गई, प्राइस भी आ गई, आप अपने ऑनर को फौरी तौर पर तक तो मेरे पास इतनी मोबाइल करेंगे ये प्राइस है, इसका ये कोड है, किस तरह ऑटोमेटिक काम किस तरह करेगा अप्लाई, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, तो ये इस तरह आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ से ऑनर आया, तो ऑनर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है जी, यहाँ पे सैमसंग, उसका कोड क्वांटिटी प्राइस ऑटोमेटिक उसी के साथ टैली कर रहा है जो कि वहां पे आपकी शीट है। जी फार्मूला वीलुकअप का हमने वहां पे अटैच करवाया, ठीक है, सिर्फ मैंने किया क्या है जी, फार्मूला सेम टू सेम, सिर्फ मैंने यहाँ पे उनके कॉलम टाइप या ड्रेस वो था जीता और फोर था, किस तरह से यहाँ पे मैं लगा भी देता हूँ जी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 4 भी आपको शो करवा रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर भी कर देता हूँ, आपको इजी भी रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया था, तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में कर दिया, तो ठीक है, ये आपको शो हो रहा है कि जी हमारा काम क्या था, 1 पे क्या था, 2 पे क्या था और 4 पे क्या था, समझ लगी इसकी। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड फाइंड करवा दिया, तो वहां पे मैंने 2 लगाया, तो उसका मतलब ये 2 वाला मेरा प्रोडक्ट कोड आ गया, तो अब मैंने 3 पे लगाया, क्वांटिटी पे लगा, 3 कर दिया, उसका कॉलम है 3, और मैंने प्राइस भी किया है, तो प्राइस का कॉलम है 4, तो उसके बाद आगे चलते हैं बिलिंग करने के लिए, तो इसका छोटा सा मेथड हम अप्लाई करते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा भी मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा मेथड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ जी प्रोडक्ट, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गई, उसके बाद आपने लिखना है जी प्राइस, उसकी प्राइस आ गई,
उसके बाद आपने लिखनी है क्वांटिटी कितनी आप सेल करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी के बाद आपके पास आ जाएगा उसका टोटल, तो उसका बिल कितने का बन जाएगा, ठीक है। तो वो आपने उसी पे हम हाईलाइटर कलर भी लगा देते हैं, तो हाईलाइटर कलर भी लगा देते हैं यहाँ से, तो ये हाईलाइटर कलर आगे, ठीक है भैया। तो ये उस पर भी अटैच हो गया, और उसी को हमने क्या करना था जी, ऑल ऑर्डर भी यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे ऑल ऑर्डर कर। उसके बाद जो है यहाँ पे हम कहते हैं कि सिर्फ हम नेम लिखे उसका बिल ऑटोमेटिक बन जाए, तो किस तरह लिखेंगे, फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा आपको, वी लिखूंगा इक्वल वी लुक वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, आपने सच बॉक्स सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं वहां पे सच बॉक्स लिख रखा था, यहाँ पे मैंने सच प्रोडक्ट का रख दिया है। फिर आपने वही अपनी शीट के अंदर जाना है, तो यहाँ से आपने शीट ले लेनी है, यहाँ से मैं शीट को सिलेक्ट करता हूँ, जितनी आप शीट लेना चाहते हो वो आपने शीट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर आप यहाँ पे सर्च क्या करना चाहते हो, प्राइस, तो प्राइस कितने कॉलम पे है, फोर पे है, तो फोर आपने लिख लेना है, और फिर कॉमा और फाइव आपने इंटर कर देना है। और यहाँ पे नेम शो बुलाया, हमने वहां पे नाम ही लिखा, किसका हम सर्च बॉक्स कर रहे हैं, सैमसंग का, सैमसंग को एड कर देते, उसका 50,000 रुपया फोरन बता दिया है, ठीक है। क्वांटिटी उसकी बुलाना चाहती है, क्वांटिटी ये क्वांटिटी उसके साथ डिलीवरी करेंगे, कस्टमर की क्वांटिटी होगी कि वो कितना लेना चाहता है आपसे, तो यहाँ पे आप इसकी बिलिंग करवा लो, निकलो जी बिलिंग, ठीक है भैया। तो इसको मैं यहाँ पे मेंटेन कर देता हूँ सेंटर में, जिस तरह से हमने ऊपर वाला नाम को मेंटेन किया, टर्न ऑफ डिजाइन लगा के, और इसको यहाँ से और इसको इनर कॉलम बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी आपने अपनी मर्जी से या कस्टमर की मर्जी से आपने लिखी है कि उसने कितने मोबाइल आपसे परचेज करने हैं, तो उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई उनको करवा देंगे, इक्वल आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन आप लगाएंगे शिफ्ट कोड से, और प्राइस, ठीक हो गया। तो आपका 2 लाख आपका बिल बन गया फोर मोबाइल का। अगर यहाँ पे क्या रहता है, तो आपने सिर्फ उसकी क्वांटिटी चेंज करनी है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना, तो आपने 3 करते तो उसका 1,50,000 रुपीज बना दिए, ठीक हो गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं, बिलिंग भी हो गई, बिलिंग करने के बाद अब ये कह रहा कि इसकी हमें डिस्काउंट क्या प्रेफर करोगे आप लोग, ठीक है भैया। तो बिल डिस्काउंट हमने लिख लेते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट बिल, ठीक है भैया। यहाँ पे फिर उसी तरीके से जैसे कि हमने ऊपर हमने उसकी मर्जी वगैरह करवाई थी वो करवा लेते हैं, और टाइमर लगा दिया, और सेम जो चीज ऊपर लिखी है वही चीज को हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं, तो यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे कट करके पेस्ट किया, तो चीजें आपकी यहाँ पे आ गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमने और ऐड करवा देंगे, क्या ऐड करवाएंगे, यहाँ पे हम करवाएंगे जी इसका ग्रोस टोटल, ठीक है। तो ये आपका ग्रोस टोटल आएगा, यहाँ पे हमने लिखना जी ग्रोस टोटल, और उसके बाद आपका क्या आएगा जी यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट आप यहाँ पे ऐड करवा देंगे, तो ये आपका डिस्काउंट आ गया, ठीक है, ये हमें लग रही है। उसके बाद ये डिस्काउंट आ गया, और यहाँ पे आपका क्या आएगा नेट टोटल, ठीक है। तो नेट टोटल आप यहाँ पे उसका निकाल लेंगे, तो ये नेट टोटल आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम फिर वही फार्मूला जो कि हमने ऊपर फार्मूला लगाया था वही यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, पहले इक्वल वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही सर्च वर्ड्स, फिर कॉमा, फिर आपने वो शीट अपनी सिलेक्ट करनी है, जितनी भी आपकी शीट है तो वहां से आपने शीट उसकी सिलेक्ट कर लो, तो वो आपकी डाटा शीट ये वाली आ गई है। उसके बाद कॉमा फिर 2, 4 बन के, क्योंकि हम प्राइस फाइनलाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए फोर, तो आपने फाइल करके इंटर कर दो, तो आपका फॉर्मूला आ गया। तो करते रहिए अभी आप सैमसंग को, तो सैमसंग का नाम लिखो, तो यहाँ पे फिर मैं आपको 4,000 रुपये बता रहा है। क्वांटिटी कितनी है जी, ऊपर वगैरह भी 3 दिन है, 3 मोबाइल ले रहे हैं, तो उसका ग्रोस टोटल कितना बन रहा है आपके पास, तो वो उसको शो करवाइए, आपका इतना बन रहा है हमारे पास, उसको थोड़ा सा बड़ा करके हमें शो करवाइए ग्रोस टोटल। तो इक्वल हमने मल्टीप्लाई करवाया था, पीस रेट कितना है जी आपका, मल्टीप्लाई कितने पीस हैं, तो इंटर कर दिया
देखो 1,50,000 रुपीज आपके बनगे। अब वो डिस्काउंट भी हमें इसको देना, तो डिस्काउंट का भी बांध लगे सर हमारे को यहाँ पे इक्वल आपकी जो ग्रोथ टोटल आया है आपका, उसके बाद मल्टीप्लाई करवा दो कितना आप इसको डिस्काउंट दे रहे हो, 1.2% 3% 5% जितना आप देना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ 2.5 मैं उसको डिस्काउंट देना चाहता हूँ, और इसको आप डिवाइड कर दो 100 से, तो आपका डिस्काउंट निकल के आपके पास आ जाएगा। तो ये आ गया 3,350 रुपये डिस्काउंट आ गया है 1.5 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है। अब नेट टोटल क्या निकलेगा जी, इक्वल आपकी जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम माइनस करवा देंगे डिस्काउंट को, तो इंटर आपकी ये नेट टोटल आ गया आपके पास, ठीक हो गया। उसके बाद ये तो आपका हो गया डिस्काउंट बिल होते हैं, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट कौन सा बिल होगा जी आपके पास, तो नेक्स्ट बिल हम देखते हैं कि नेक्स्ट बिल को हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट बिल को भी हम किसी को कॉपी करके इसके ऊपर यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं जी पेस्ट, यहाँ पे आ गया। और इसके अंदर नाम इसका चेंज कर देते हैं, नाम है हम इसको क्या करेंगे जी रिटर्न एडजस्टमेंट, ठीक हो गया। तो रिटर्न एडजस्टमेंट यहाँ पे डाल देते हैं जी रिटर्न एडजस्ट, रिटर्न एडजस्टमेंट आ गई, ठीक है भैया। अब ये रिटर्न एडजस्टमेंट का हमें बिल बनाना है, तो चेंज वही चीज हम कॉपी कर लेंगे इसकी, वही चीज को हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी की है, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है कंट्रोल बी पेस्ट हो गया, समझ लगी है। फार्मूला क्या है जी, फिर वही फार्मूला लगेगा, तो आप फार्मूले को ही कॉपी कर लो, ठीक है भैया। बार बार फार्मूले लगाने से बेहतर है कि आप वही फार्मूले को कॉपी कर लो, क्योंकि चीजें तो वही आ रही है, साइज सेल एड्रेस भी वही है, तो आप ये चेंज कर लो, कॉपी कर लो इसको कंट्रोल सी कॉपी किया, और यहाँ पे आके उसको आप इक्वल कंट्रोल बी पेस्ट कर दो, तो वो फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या आ रहा है जी 5,000 रुपया, लेकिन यहाँ पे तो हमने समसिंग अभी मोबाइल लिखा ही नहीं है, तो नहीं लिखा वो सेल एड्रेस यहाँ पे चेंज कर दो, ये वाला उसको सचिन बॉक्स वाला, तो ये सचिन बॉक्स के सेल एड्रेस को चेंज किया, और ये वाला सेल एड्रेस दिया एंटर किया। अगर यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सैमसंग ले देता हूँ, तो फिर बता रहे कितनी क्वान्टिटी थी उसकी। अब ये जो एडजस्टमेंट भी लगता है ना, ये आ जाती है, वो तो हमने सेल कर दिए सैमसंग मोबाइल, ठीक है, जो लास्ट बिल उसका देना था। अब आ जाती है उसने नेक्स्ट क्या खरीदा आपसे, परचेज क्या किया है। अब फर्ज करो उसने आपसे परचेज कर लिया है जी ऑनलाइन का या ओप्पो मोबाइल आपसे परचेज कर लिया है, तो उसका 7,000 रुपये उसकी प्राइस आ गई आपके पास, कितने लेना चाह रहा है आपसे, 5 लेना चाह रहा है, तो उसका ग्रोस टोटल क्या लगेगा जी, फिर वही आपका फॉर्मूला इक्वल पीस रेट मल्टीप्लाई टोटल पीस इंटर, तो ये आपका 3 लाख बन गया। डिस्काउंट आप उसको कितना देना चाह रहे हो, हर चीज का डिस्काउंट अलग होता है, तो टोटल बिल मल्टीप्लाई, तो आप कहते हैं आपको 3% डिस्काउंट हम देंगे, ठीक है। तो 3% हमें डिस्काउंट से लेकर हम डिवाइड 100 भी कर देंगे, या परसेंटेज भी शो करवा सकते हो, तो ये 9,000 का उसका डिस्काउंट आ गया। अब यहाँ पे नेट टोटल नहीं आएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे रिटर्न, अच्छा तो यहाँ पे मैं टेस्ट करूंगा बिल के अंदर रिटर्न को, तो यहाँ पे मैं एक रिटर्न की एंट्री और डाल देता हूँ, तो ये मैंने रिटर्न लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिटर्न को हमने कॉलम को बना लिया, लेकिन हम रिटर्न लेंगे कहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हम रिटर्न क्रिएट कर लेते हैं खुद से, ठीक है। रिटर्न मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे एंट्री डाल लेता हूँ कि रिटर्न की, ठीक है, तो ये रिटर्न की एंट्री डाल ली है। इसी को मैं नीचे अप्लाई कर देता हूँ इस फॉर्मूले को, तो कंट्रोल डी कर दिया, अप्लाई कर दिया, और इसी तरह यहाँ पे भी इतने भी हमने फॉर्मूला जो भी लगाया है, तो उसको मैं पकड़ के नीचे अप्लाई कर दिया, इस पर डिस्काउंट हमने उसको दिया था, तो डिस्काउंट वाले को भी आपने नीचे अप्लाई कर देना है, और आपने इस पर भी फॉर्मूला लगाया तो उसको भी आपने अप्लाई कर देना, सॉरी अप्लाई करना है कॉमर्स से पकड़ के अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डालना है क्या, उसने रिटर्न किया है उसकी सैमसंग मोबाइल, ठीक है, उसने सैमसंग मोबाइल हमसे लिया था ना 50,000 रुपये का एक था, कितने उसने वापस भेजा जी, 3 मोबाइल उसने वापस भेज दिया, तो 3 मोबाइल आपसे लिए थे, रिटर्न कितने आ गया, 1 मोबाइल उसका वापस आ गया, तो 1 मोबाइल का 50,000 रुपये का, उस पर डिस्काउंट भी दिया है ना, अब हमने उसको यहाँ डिस्काउंट भी दे दिया, तो डिस्काउंट हमने 1 मोबाइल का कितना डिस्काउंट लगता है, 1,250 रुपये, उसको इसमें लेस करके
750 रुपए हमने उसको वापस बैक करने हैं, तब वो चीज हमने यहाँ पे रिटर्न एडजस्टमेंट कर देनी है बिल के अंदर। तो इसमें इक्वल ये टोटल अमाउंट जो नेट टोटल की आई है उसको एंटर कर देना आपने, तो ये 750 जितने भी होंगे आपको रखेंगे नीचे आ जाएगी। ये क्यों मैंने इक्वल करवाया उसको, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बोरो का भेज देता है तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट पेपर को भेज देंगे, ठीक हो गया। अब उसमें पैसे बोर वाले भेज में वापस उसके पैसे हमारे पास ये आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेट टोटल, तो यहाँ पे नेट टोटल लेना आपने कॉलम बना लेना है नेट टोटल, तो ये नेट टोटल आ गया आपके पास। तो उसके बाद आप यहाँ पे वही फार्मूला लगाइए जो आपने ऊपर लगाया था, इक्वल टोटल अमाउंट माइनस माइनस जो आपकी रिटर्न है और प्रिंटर कर देना है, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करके आपको बता देगा। अब ये देखिए ओपन वाला था 60,000 रुपये का, 5 उसने लिए तो 3,00,000 रुपये के बन गए थे, 9,000 रुपये डिस्काउंट दिया उसको बन गया था जी ग्रोथ टोटल, ठीक है। अब इसका बन गया जी 3,00,000 रुपया डिस्काउंट, उसके 9,000 रुपये बन गया रिटर्न, उसकी 97,500 रुपया हमने उसके पैसे वापस देने थे, वो लेस करके तो हमने उसका नेट टोटल अब उसने हमें जो पे करने हैं वो पे करने हैं 1,93,500 रुपये उसने आपको पे करना है, समय लगेंगे इसकी। तो ये आपकी है जी डेटा शीट, इसको हमने सेव करवा दिया।